हेलो गाइस, आई एम शिवानी रायना, आई एम फ्रॉम ट्रिपल आईटी दिल्ली। तो आज मैं यहाँ पे हूँ आपको पढ़ाने के लिए इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, बेसिक टर्मिनोलॉजी जो हम यूज़ करेंगे 3D में। फिर ये चैप्टर दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला। ठीक है, तो मैं बेसिकली लिख लेती हूँ कि हम करेंगे क्या, उसका ओवरव्यू। सबसे पहले मैं आपको बेसिक टर्म्स बताऊंगी, बेसिक टर्म्स यूज्ड इन 3D। ठीक है, उसमें हम क्या कवर करेंगे, हम कवर करेंगे कोऑर्डिनेट, एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है, एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट से क्या मतलब है हमारा, ऑफ अ पॉइंट। ठीक है, तो सबसे पहले ये हमारा है बेसिक 3D में इन 3D। आपने 2D में सब पढ़ा होगा कि कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होते हैं इन 2D, कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है इन 2D, एंड कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होता है इन 2D। अब हम ये 3D में सब कुछ कवर करेंगे, एंड फिर इसके बाद बेस हमारा ये चैप्टर दो बेसिक हमारा टर्म्स कवर करेगा, दैट इज फर्स्ट इज, फिर हम पढ़ेंगे अबाउट डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला एंड सेकेंड सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, इसमें हम डिस्टेंस फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला के पहले हम बेसिक फॉर्मूला पढ़ेंगे, कुछ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, एंड देन उसके बाद हम उनका एप्लीकेशंस देखेंगे। ठीक है, तो टू स्टार्ट विथ बेसिक टर्म्स कोऑर्डिनेट एक्सिस, सो हम करेंगे, सबसे पहले आता है कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है। आपने 2D में पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं इन 2D। उसमें हमारे पास सिर्फ दो एक्सिस होते हैं, दिस इज कॉल्ड द एक्स एक्सिस एंड दिस इज कॉल्ड द वाई एक्सिस। ठीक है, एंड ये होता है नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड दिस इज कॉल्ड द नेगेटिव वाई एक्सिस। हाँ, एंड जहाँ पे दोनों एक्सिस मीट करते हैं उनका इंटरसेक्शन पॉइंट को हम डिनोट करते हैं ओ से, दैट इज ओरिजिन। ठीक है, हाँ, तो ये आपने 2D में पढ़ा होगा। तो जब हम 3D में आते हैं, 3D में हमारा एक और थर्ड एक्सिस आ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड जेड एक्सिस। ठीक है, तो अगर हम 3D में रिप्रेजेंट करना चाहें इस चीज़ को, दैट मीन्स एक जेड एक्सिस है, एक और एक्सिस। ये जो एक्सिस है इन 2D, ये सिर्फ हमारे इस बोर्ड के प्लेन में है। ठीक है, अगर हम 3D में आते हैं तो हमारा एक और एक्सिस होता है, वो एक्सिस ऐसे बोर्ड के प्लेन से ऐसे बाहर निकल रहा है। ठीक है, और उसको कहते हैं हम पॉजिटिव जेड एक्सिस। अगर ये एक्स एक्सिस है हमारा एंड ये हमारा वाई एक्सिस है, तो तीसरी एक्सिस जो हमारी बोर्ड के प्लेन से ऐसे बाहर आ रही है, दैट इज़ दी जेड एक्सिस। उसको हम इस 2D प्लेन में मैं उसको ऐसे रिप्रेजेंट करूँगी, दिस रिप्रेजेंट्स माई जेड एक्सिस जो इस बोर्ड से बाहर आ रही है। ठीक है, और एक नेगेटिव जेड एक्सिस भी होगी, वो इस बोर्ड के अंदर जो जा रही है, दैट इज़ नेगेटिव जेड एक्सिस। ठीक है, एंड अगेन द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द 3 एक्सिस, दिस इज कॉल्ड ओरिजिन। ठीक है, तो अब हम आते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट से हमारा क्या मतलब है। कोऑर्डिनेट, अगर हम एक पॉइंट कंसिडर करें इन दिस 2D प्लेन, लेट अस कंसिडर एक पॉइंट पी इन दिस 2D प्लेन। ठीक है, तो इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, से x, y। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, px, y का मतलब क्या है,
इट इज एट एक्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन अलोंग द एक्स एक्सिस. मीन्स ये जो है पॉइंट, ये ये जो डिस्टेंस है इसका अलोंग द एक्स एक्सिस इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन अलोंग द वाई एक्सिस इज द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट. तो ये होता है इन 2D. अब अगर हमें 3D में आना है, हम एक पॉइंट कंसिडर करें इन 3D. अगर देखें तो ये जो पॉइंट है ये हमारे बोर्ड के प्लेन में है. ये पॉइंट, अगर ये पॉइंट बोर्ड के प्लेन में ना हो के कहीं एयर में हो, कहीं हवा में यहाँ पे हो, तो मैं इस पॉइंट को कैसे डिनोट करूँगी? इसके 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे. वन इज एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट. अगर मान लो ये पॉइंट मेरा यहाँ इस टिप पे है, ठीक है, तो मुझे इसके कोऑर्डिनेट डिफाइन करने हैं. इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये मेरा एक्स एक्सिस है, तो इसका ये डिस्टेंस इस ओरिजिन से अगर हम आए तो इसका ये डिस्टेंस क्या होगा? दैट वुड बी माई एक्स एक्सिस इस पॉइंट का. अब वाई एक्सिस क्या होगा? इस पॉइंट से, ये इस ओरिजिन से कितना ऊपर है, दैट वुड बी माई एक्स एक्स वाई एक्सिस. एंड जेड एक्सिस ये कितना मेरे बोर्ड से यहाँ ओरिजिन से लेके ऐसे इसका कितना डिस्टेंस है, दैट वुड बी माई जेड एक्सिस. तो अगेन अगर कोई एक पॉइंट हमें डिफाइन करना है यहाँ पे पी, तो हम उसके 3 कोऑर्डिनेट्स, अगर वो कहीं बाहर है, अब मैं 2D प्लेन में तो मैं ऐसे ही इसको रिप्रेजेंट करूँगी, दैट वुड गिव मी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड. इसके 3 कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे इन 3D. मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट मीन्स इस पॉइंट पी का डिस्टेंस फ्रॉम दिस एक्स एक्सिस, एंड वाई कोऑर्डिनेट मतलब इसका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन अलोंग द वाई एक्सिस, जेड कोऑर्डिनेट मतलब पॉइंट पी का डिस्टेंस फ्रॉम द जेड एक्सिस अलोंग द जेड एक्सिस फ्रॉम ओरिजिन. तो ये होता है हमारा कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, ठीक है. एंड अगर हम अब देखा जाए तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, 0, 0. ऐसा क्यों? मैंने क्या बोला डेफिनेशन कोऑर्डिनेट्स की, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट की? डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन अलोंग एक्स एक्सिस इज इट्स एक्स कोऑर्डिनेट, अलोंग वाई एक्सिस इज इट्स वाई कोऑर्डिनेट, एंड अलोंग जेड एक्सिस इज इट्स जेड कोऑर्डिनेट. पर डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम ओरिजिन तो जीरो है ना, तो इसलिए उसका डिस्टेंस, इसलिए उसका कोऑर्डिनेट्स इज 0, 0, 0. ठीक है, तो ये हमारा हुआ बेसिक कवर, व्हाट इज कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इन 3D. ठीक है, सो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं. अब अभी हमने देखा कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होते हैं. दिस इज माय एक्स एक्सिस, दिस इज माय वाई एक्सिस, राइट. अगर हम 2D में देखें तो माइनस वाई माइनस एक्स, ये हमारा एक्स एक्स, हमारा जो ये एक्सिस होती है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये हमारे प्लेन को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करता है. ठीक है, इसको बोलते हैं हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज आवर सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज आवर थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज आवर फोर्थ क्वाड्रेंट. ठीक है, अब हम 3D में आए तो 3D में बोर्ड पे बनाना इज नॉट पॉसिबल, बट हमें ये इमेजिन करना पड़ेगा हमारा जो 3D में कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं वो हमारे प्लेन को वो हमारे प्लेन को 8 ऑक्टेंट्स में डिवाइड करते हैं. ठीक है, दिस इज माय एक्स वाई एंड जेड. ठीक है, ये हमारा 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करता है, 4 क्वाड्रेंट्स. एंड हमारा जब हम 3D में आते हैं, दिस इज इन 2D. ठीक है, जब हम 3D में आते हैं तो वो हमारी स्पेस को, हमारे 3 जो एक्सिस होते हैं वो हमारे स्पेस को 8 ऑक्टेंट्स में डिवाइड करते हैं, 8 ऑक्टेंट्स में डिवाइड करते हैं. ठीक है, दिस वॉज द कंसेप्ट ऑफ क्वाड्रेंट्स एंड ऑक्टेंट्स. क्वाड्रेंट्स आर इन 2D जब हम सिर्फ 2 एक्सिस बनाएं, ऑक्टेंट्स आर इन 3D जब हम 3 एक्सिस बनाते हैं. ठीक है, सो